प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि जो भी हमारे घर में दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा हो, पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने से पहले पिता हम आज्ञा देते हैं कि हमारे जीवन की सारी समस्याएं पिता परमेश्वर इस घर से, इस समाज से, हमारे पास से पिता परमेश्वर दूर हो यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, प्रार्थना करने से पहले, वचन को सुनने से पहले आप अपने घर में बैठ करके आज्ञा दीजिए कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से जाए यीशु नासरी के नाम से। जो आपको डिस्टर्ब करती है, जो आपके घर में, जो आपके बच्चों के जीवन में, जो आपके परिवार में, जो आपके फैमिली में किसी भी प्रकार की रुकावटें आती हैं, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। खुदा आपके घर में बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको जीवन को छूने जा रहा है। इस शाम के वक्त पिता परमेश्वर, जो लोग चिंतित हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग हताश निराश हैं, उनके जीवन को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। आज्ञा देने से पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए और आज्ञा दीजिए कि आपके घर में जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा है, गंदी आत्मा है, वो दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आज आपको वचन को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, वो आपको ताकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर ने आपको रात्रि के समय दिया है प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। और सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करें, अंत तक ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको वो छूने जा रहा है, आपको बरकतें देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी समस्याओं को खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, लिखा है, जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा और जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। क्या आज आपको नींद नहीं की जरूरत है? क्या आज आपको सुख चैन की जरूरत नहीं है? क्या आज आप जो नींद, क्या आप जो सोते नहीं हैं, जो आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्या आपको जरूरत नहीं है? वो खुदा कहता है, जब तू लेटेगा तो किसी प्रकार का भय नहीं खाएगा और जब तू लेटेगा तो तब तेरे जीवन में सुख की नींद आएगी। याद रखना, आज वो हर एक मसीह भाई बहन बिलीव करे, भरोसा रखे, जो प्रार्थना करने के लिए आया हुआ है। यदि आपके पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने मसीह भाई बहनों के पास समय नहीं है, तो कृपया आप प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए। जिसने परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसको ढेर सारी बरकतें, ढेर सारी आशीषें दी। आज लाखों लोग विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं परमेश्वर के वचन पर, यकीन रखते हैं कि खुदा हमें बरकत देने आए हैं, हमें आशीष देने आए हैं, हमें छूने आए हैं, हमें खरी बुद्धि से, हमारा विवेक की अच्छा वो करने वाला खुदा वो परमेश्वर है, मेरी बेटी और बेटियों को संभालने वाला है, मेरे घर को, मेरे बिजनेस को, मेरे जॉब को, मेरे हर एक घटी और कमी को परमेश्वर परिपूर्ण करता है। तो आज उस कलाम, उस खुदा के परमेश्वर के वचन को, उस परमेश्वर के वचन को हमें क्या ध्यान से नहीं सुनना चाहिए, क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्या हमें नहीं सीखना चाहिए, क्या हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ये अपने दिल से पूछे, अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को क्या आप सुनते हैं। बस आपको चाहिए कि हमारे लिए कोई प्रार्थना कर दे, नहीं, आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपको करना है, जब तक हम प्रार्थना कर रहे हैं तब तक आपको प्रार्थना करना है, सुनना है। यदि आप अभी भी समय नहीं दे सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। याद रखना कि खुदा कहता है, तूने अगर मुझे 24 घंटे में से अगर तूने मुझे आधा घंटा समय दिया है तो मैं तेरे जीवन को हमेशा संभालूंगा और तुझे मैं 24 घंटे तुझे मैं परिपूर्ण करूंगा हर एक चीज़ घटी और कमी से। यदि हम डेली परमेश्वर को सुबह शाम ये समय देने लगें तो परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकतें, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार। जानता हूँ कि आपके जीवन में दुख भी हो सकती है, तकलीफ भी हो सकती है, आप मुसीबत में हैं, चिंता में हैं, इस समय पड़े हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा, लेकिन खुदा कहता है तेरे जीवन में हर एक जो मार्ग होगी तो उसमें निडर चलेगा, उसमें तुझे किसी प्रकार का भय नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का तुझे डर होगा। वो खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है, यदि आप किसी भी मार्ग चलना चाहते हैं, कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई भी
आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, आप एकदम निडर होकर के चलेंगे, वो परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि आप ये सोचते हैं कोई बिजनेस करने से पहले कि हमारा इतना लॉस हो जाएगा, कहीं हम क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन पिता कहता है कि तू भरोसा रख, तू बिलीव कर, विश्वास रख, तू अपने बिजनेस में बहुत कामयाब होगा, तू अपने जॉब के लिए परमेश्वर का वचन कहता है तुझे मिलेगी, तुझे हर एक जरूरत की चीज़ें पूरी होगी, तेरा बिजनेस जो है वो कभी किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। वो खुदा कहता है यदि हम निडर होकर के चलें, एक पक्ष होकर के, परमेश्वर वचन क्या कहता है, एक पक्ष होकर के, एक सोच लेकर के, यानी कहना कि पिता मेरे साथ है, वो खुदा मेरे साथ है, मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, मैं 10 लाख 20 लाख 5 लाख 10,000 20,000 25,000 जो भी मैं बिजनेस फंसाना चाहता हूँ उसमें परमेश्वर मुझे दोगुना नहीं 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर देगा, 100 गुना परमेश्वर देगा। याद रखना परमेश्वर वचन क्या कहता है, कोई 10 गुना कोई 100 गुना कोई 50 गुना काटता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे 100 गुना दूंगा, मैं तुझे 100 गुना दूंगा यदि तू विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, उसके वचन को सुनता है। आज शाम के वक्त आप प्लान करते हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं जॉब करना चाहता हूँ, मुझे जॉब मिलनी चाहिए, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, वो आपको आशीष देगा, आपकी जीवन की सारी चिंताओं को मिटाएगा। आप केवल विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, केवल प्रार्थना को सुनिए। यदि परमेश्वर ने आपको अभी तक संभाल के रखा और सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने आपकी सांसें की सुरक्षा की, रक्षा की, तो परमेश्वर क्या आपको कल नहीं संभालेगा? क्या परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि और समझ कल नहीं देगा? देगा। आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपको परमेश्वर ज्ञान बुद्धि और समझ देने आया है, वो आपको ताकत देने आए, वो आपको संभालने आए, आपको समाज में दबे हुए लोगों के बीच से वो आपको उठाना चाहता है परमेश्वर, वो आपको बाहर निकालना चाहता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जितने परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे और विश्वास करते हैं, विश्वास बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, वो सब लोगों में से अलग आपको नजर आएंगी। इस बात को याद रखना, आपको भी परमेश्वर आगे बढ़ाएगा, आपको भी बरकतें देगा, आपको भी ज्ञान देगा, आपको भी बुद्धि देगा, आपको भी समझ देगा, आपके बच्चे को, आपके परिवार को। मैं जानता हूँ कि बहुत मसीह भाई बहन इसमें, बहनें जो हैं अपने बेटियों के जीवन के बारे में सोचते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसे होगी, कहाँ पर हम शादी करेंगे, कैसा विवाह होगा उनका, कैसा लड़का मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन के सारे रास्तों को, सारे मार्गों को मैं खोलूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुझे श्वास दूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है इन बातों से तुझे जीवन मिलेगा, तुझे आशीष मिलेगी, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है और तेरे पाँव में कभी ठेस नहीं लगेगी। जब परमेश्वर का वचन कहता है तू निडर होकर के चलेगा, जो अपने बिजनेस को करना चाहता है, अपने जॉब में, अपने हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा, आपको किसी भी प्रकार की ठेस नहीं लगेगी। जब जब आप यकीन रखेंगे, भरोसा रखेंगे, यकीनन उस खुदा पर आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जीवन की सारी चिंताएं मिटेंगी। आज बहुत मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास समय नहीं है। क्यों आपके पास समय नहीं है? आपके पास समय नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मुझसे प्रार्थना करने के लिए, मेरे वचन को सुनने के लिए तेरे पास समय नहीं है, तो मैं तुझे समय क्यों दूं? क्यों दूं? तुझे ऐसा है वैसे रहो अपने जीवन में, परमेश्वर का वचन कहता है। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर उसी से प्रेम करता है, प्रेम तो वो हर एक मसीह भाई बहन से करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुझे ऐसे है वैसे रहेगा, यदि तू मेरे वचन को मानेगा, चलेगा, सीखेगा, समझने की कोशिश करेगा, तो मैं तुझे हर एक इंसानों में से अलग करूंगा, हर एक इंसानों में से हर एक मसीह भाई बहन को अलग करेगा। यदि जो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीनन उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, उसकी आप उपासना करते हैं, उसके वचन पे आप चलते हैं, उसके वचन को आप सीखते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकतें देगा, आपको छुएगा, वो आपको ब्लेसिंग करेगा, वो आपको आशीष देगा, आपके जीवन की सारी चिंताओं को मिटाएगा। आज हम बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं, क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए पिता कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, भरोसा रखो कि मैं तेरी जीवन को ढेर सारी बरकतें और आशीष दूंगा। ये बातें आपको सुनने में, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू ये बातों को सुनता है, समझता है, तभी तेरी जीवन की सारी प्रॉब्लम दूर होगी, सारी चिंताएं दूर होगी। बातों को सीखने से पहले, समझने से पहले हमारे दिन में, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे जगह होनी चाहिए। यदि आज उसकी बातों को हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, मैं जानता हूं कि ये बातों को मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन परमपिता परमेश्वर सिखाने वाला है, वो जीवन और श्वास देने वाला वो खुदा है, उसका कलाम है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता हूँ, केवल मैं आपको अपने शब्दों से और परमेश्वर के वचन के वो बातों को लेकर के आपको मैं सिखाता हूँ, क्योंकि बोलने वाला खुदा है, समझाने वाला खुदा है, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला खुदा है। तो याद रखना, ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जितने लोगों ने आज विश्वास किया, भरोसा रखा,
और इस वचन को सुना, परमेश्वर ने उसके जीवन को छुआ है, उसको ब्लेस किया है, उसको आशीष किया है। और हर एक मसीह भाई बहन यही चाहता है कि और लोग प्रभु में आए और प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर के वचन को सुने ध्यान पूर्वक। हर एक मसीह भाई बहन चाहता है, आज हमें चिल्लाने से या बहुत ज्यादा रोने से या हमें भागने से या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वो खुदा का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, मैं कल तुझे दूंगा। ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं जानता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन के पास एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती हैं, लेकिन जिसके पास भी है, यदि आपके पास देने को है तो आप जरूर दीजिएगा, उसको मना मत करिएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हीं लोगों पर विश्वास करना, भरोसा रखना कि जो आप पर बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं। और आप पर हर एक मसीह भाई बहन कहता है, ये नहीं कि आप वो कुछ गंदे काम करता उसको अपनी चीजें दे देना ही नहीं। जो सज्जन व्यक्ति है, जो आप पर यकीन रखता है, विश्वास रखता है, आप उन पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उन्हीं से आप प्यार करिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू हर एक मसीह भाई बहन से प्रेम रख, लेकिन अपनी हर एक अपराधों को, गुनाहों को वो हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला है, हर एक बातों को समझाने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बिखट के रहता है तो परमेश्वर का वचन कहता है तो उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। यदि हमारा विश्वास किसी व्यक्ति के ऊपर है और वो उस व्यक्ति का भी विश्वास हमारे ऊपर है तो कभी भी हमें धोखा नहीं देना चाहिए। इस बात को याद रखना, कभी भी हमें धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा तो जो हमारा समाज का जो रिश्ता होता है वो तो खराब होता है। लेकिन वो खुदा कहता है, तू जो तेरे ऊपर विश्वास रखता था, भरोसा रखता था, तूने उसके साथ छल किया है, तूने उसके साथ कपट किया है, तूने उसके साथ बुरी बातों को सोचा है, उसको अपने मन में हीन भावना से देखा और सोचा है। तो परमेश्वर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है उस खुदा को जिसने आपको भेजा है कि ये मेरी बातों को सुनने वाला आज दूसरे के मन की बातों को, मन के बारे में गलत सोचता है, उसके जीवन के बारे में गलत सोचता है। नहीं, परमेश्वर प्रेम रखता है। यदि आपके पास, परमेश्वर का वचन कहता है, आपके पास बेटी और बेटियां हैं तो परमेश्वर आपको संभालेगा। आपको हमेशा प्रेम रखना है, प्यार रखना है। आपके कभी घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी किसी प्रकार की कोई घटिया कमी नहीं होगी। वो खुदा आपको संभालने वाला है, वो परमेश्वर आपको जीवन देने वाला है, वो खुदा आपको श्वासें देने वाला है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला है, आपको अनमोल परमेश्वर आपको तोहफा देने जा रहा है, आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। हर एक मसीह भाई बहन से बहुत प्रेम करता है परमेश्वर। आपके बच्चों को संभालेगा खुदा और आपके बिजनेस को आपको जॉब के, इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। तो चलिए आइए सभी लोग प्रार्थना करते हैं मिलकर के। धैर्य रखना, विश्वास रखना, उस खुदा के ऊपर बिलीव करिए, भरोसा रखिए कि पिता आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है, ढेर सारी बरकतें देने जा रहा है। इसलिए धैर्य रखिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूँ तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रही सुनासरी के नाम से। और प्रेम अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने जा रही सुनासरी के नाम से। परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेक प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने जा रही सुनासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने जा रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसके जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रही सुनासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं, और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है इस नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं,
वो चाहेंगे इस मुनासरी के नाम से कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, एक हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ हों और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर के बातों को ध्यान पूर्वक सुने। उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परमपिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है, हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने जा रही सुना श्री के नाम से, और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह की झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारे नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए उस खुदा पर, विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुखाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, लेकिन खुदा की जिंदगी में आपको आशीष देने जा रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ भी जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो इस सुनासरी के नाम से, वो अच्छा है सुनासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वार बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, इस मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी ज़िंदगी को आपको जिलाने जा रहा है इस सुनासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं,
विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं, हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, वो जाए यीशु नासरी के नाम से, वो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसी आती है, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा है। आज प्रभु हमारा हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलख रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं, उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार के चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं, और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर, आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, हे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर, कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत दे पिता परमेश्वर, कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़ी आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं,
और मिल सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर, मेरी जीवन में अनेकों प्रकार के मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर जीवन भर मैं आपसे प्रार्थना करता रहूँगा, आपसे विनती करता रहूँगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आए हैं, आपको आशीष देने आए हैं। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर मुझसे जो भी अजाने अनजाने में गलतियां हुई है पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी के जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे मेरी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूँ और करता हूँ। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान हैं, हताश हैं, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार के परमिशन, आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमा को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरी खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आजाद करने जा रहा है परमेश्वर। आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा, वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो, परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो मेरी तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावान हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की, आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहे हैं। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, पिता मुझे आप बचाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए,
आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से चाहे सुनासरी के नाम से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से चाहे सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।